सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा जिले के राजगीर थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 24 घंटे के भीतर एक हत्याकांड का खुलासा किया है और इस हत्या में शामिल प्रेमिका समेत 6 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बताते चले कि 15 अप्रैल को राजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत चमरडीहा से घोड़ा कटोरा जाने वाली सड़क में एक टेम्पो चालक की हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया था और इसी मामले का उद्भेदन राजगीर थाना पुलिस के द्वारा किया गया है और घटना में शामिल प्रेमिका समेत 6 अपराधियों को घटना में प्रयुक्त डंडा एवं मृतक के मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मृतक का प्रेमिका नवादा जिले के नारदीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हरिया गांव निवासी इंदल राजवंशी की पत्नी शरीफा देवी, राजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत धामर गांव निवासी गनौरी राजवंशी का पुत्र फेकू राजवंशी जो प्रेमिका का भाई है, वहीं धामर निवासी फेकू राजवंशी का दोस्त राहुल कुमार तथा विस्थापित गांव निवासी सुखदेव राजवंशी का पुत्र लाला कुमार एवं विस्थापित निवासी जागो राजवंशी का पुत्र सनी कुमार तथा नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के सोहदा गांव निवासी राजकुमार राजवंशी का पुत्र बबलू राजवंशी जो प्रेमिका के भाई का साला है इसके रूप में पहचान की गई है। इसके अलावा विधि विरुद्ध बालक प्रेमिका के बेटा को पुलिस ने निरुद्ध किया है। प्रेमिका समेत 7 लोगों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। दरअसल घटना के संबंध में आपको बताते चले कि 15 अप्रैल को राजगीर थाना क्षेत्र अंतर्गत चमरडीहा से घोड़ा कटोरा जाने वाली सड़क के पास पहाड़ के किनारे टेम्पो चालक गया के अत्री थाना क्षेत्र अंतर्गत सारसू मिर्चाई टोला निवासी जगदेव राजवंशी का पुत्र विंदु राजवंशी उर्फ बैजू राजवंशी की हत्या कर उसके शव को फेंक दिया गया था। इस संबंध में मृतक की पत्नी फूल कुमारी के फर्द बयान पर राजगीर थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया। नालंदा एसपी के निर्देश में राजगीर डीएसपी प्रदीप कुमार के नेतृत्व में मामले का गहराई से अनुसंधान किया गया। तत्पश्चात राजगीर थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर मोहम्मद मुश्ताक ने 24 घंटा के अंदर कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना का उद्भेदन करते हुए राजगीर डीएसपी प्रदीप कुमार ने बताया कि मृतक के साथ प्रेमिका शरीफा देवी का अवैध संबंध था जिसके कारण प्रेमिका के पति और पुत्र के द्वारा मृतक के भी किया गया था। मृतक डर से अपनी प्रेमिका से मिलना जुलना छोड़ दिया था जिस कारण उसकी प्रेमिका शरीफा देवी भी मृतक से नाराज चल रही थी और अपने भाई पति और पुत्र के साथ मिलकर मृतक को रास्ते से हटाने की योजना बनाया। प्रेमिका के भाई अपने दोस्तों के साथ षड्यंत्र कर मृतक को 4 अपराधियों के साथ नारदीगंज थाना क्षेत्र के करियन्ना गांव से भाड़े पर टेम्पो लेकर विस्थापित लाया और राहुल राजवंशी के घर में उसे खिला पिला कर अपने घर ले गया जहां प्रेमिका के भाई फेकू राजवंशी डंडा से मारपीट कर उसे अधमरा कर दिया और मृतक के मोबाइल से फोन कर 3 अन्य अपराधियों को बुलाकर टेम्पो से घोड़ा कटोरा जाने वाली सड़क के पास पहाड़ के किनारे उसके शव को फेंक दिया। इतना ही नहीं, अपराधियों ने पुलिस के अनुसंधान को प्रभावित करने के लिए मृतक के टेम्पो को सड़क के किनारे पलट दिया। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महज 24 घंटे के भीतर इसका उद्भेदन किया और घटना में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर हम आपको नालंदा से बता रहे हैं जहां राजगीर थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हत्याकांड में शामिल प्रेमिका समेत 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें एक विधि विरुद्ध बालक भी शामिल है। दोस्तों, लगातार हम आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और पाइए बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अगर वीडियो Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कीजिए। धन्यवाद।
दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।